श्रद्धा के दोस्त बता रहे हैं कि आफताब कैसे धोखा देकर उसके साथ बेरहमी करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा। तभी तो लाख जुर्म के बाद भी श्रद्धा उसकी साजिशों को समझ नहीं सकी। आफताब के साथ हत्या से महीना भर पहले वो हिमाचल की वादियों में घूमने गई थी। अब पुलिस 5 राज्यों में पड़ताल कर रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, श्रद्धा का कत्ल हुआ तो जांच का दायरा 5 राज्यों तक पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, मुंबई में ही दोस्ती परवान पर चढ़ी थी, लेकिन कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में हो रही है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके कई थानों की पुलिस यहां पर लगी हुई है। सिर्फ ये एंट्री पॉइंट पे ही नहीं, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, सर्च अभियान लगातार जारी है। और सिर्फ महरौली की इसी जंगल में नहीं बल्कि गुड़गांव भी दिल्ली पुलिस की पहुंची थी, हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र भी दिल्ली पुलिस की टीम गई हुई है इस केस में सबूतों की तलाश में। जो साजिश मुंबई से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया, दोस्ती का ढोंग किया, फिर अपने खूनी इरादों के साथ दिल्ली पहुंचा था और महरौली इलाके में उसने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन साजिश से कत्ल के बीच वो शातिर श्रद्धा पर कभी जुल्म ढाता रहा, कभी भरोसा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। वो 18 मई की तारीख थी जब दिल्ली के महरौली स्थित फ्लैट में आफताब ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख देने वाले वारदात को अंजाम दिया। उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और कई दिनों तक उन टुकड़ों को महरौली के जंगल में ठिकाने लगाता रहा। 6 महीने बाद जब इस हॉरर स्टोरी का खुलासा हुआ तो दिल्ली पुलिस ने जंगल के चप्पे चप्पे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हाथ लगी कुछ हड्डियां। यानी इसी दिल्ली में गुनाह को अंजाम दिया गया, यही लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाए जाने का शक भी है और यही से कत्ल कबूलने वाला आफताब गिरफ्तार भी हो चुका है। एक बड़ी पड़ताल महाराष्ट्र में चल रही है। वहां वसई इलाके में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। उन्हें भी यकीन था कि साइको किलर आफताब ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला है। श्रद्धा के दोस्तों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। उसको बार बार टॉर्चर करने वाले आफताब ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और श्रद्धा के दोस्तों परिजनों से जानकारी जुटा रही है। श्रद्धा मर्डर केस का हिमाचल से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा पुलिस आफताब को वहां ले जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस वहां क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। मई में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, आफताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को कुल्लू में था। वहां दोनों मणिकरण के तोश गांव में रुके थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव के उस गेस्ट हाउस पहुंची जहां दोनों रुके हुए थे। ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया था, व्हाट्सएप पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर, 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने, तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को, तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा, तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे, तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको, तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। हिमाचल दौरे पर आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के महरौली में रुकने में मदद की, वो भी पुलिस के रडार पर है। आफताब और श्रद्धा उत्तराखंड के ऋषिकेश में गए थे। श्रद्धा ने अपना रील भी बनाया था जिसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। सूत्र बताते हैं कि पहले ऋषिकेश में ही आफताब श्रद्धा को मारना चाहता था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, लिहाजा वो डर गया और दिल्ली में कत्ल को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस को शक है कि ऋषिकेश में ही अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच हरियाणा तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने एक दिन पहले ही श्रद्धा के हत्या में इस्तेमाल आरी की तलाश गुरुग्राम तक की। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में कहीं फेंक दी थी। उसी की तलाश में शनिवार को पुलिस ने मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान चलाया। तो श्रद्धा केस में 5 राज्यों में पुलिस की पड़ताल चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा आज तक।